डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगा। इसी का परिणाम है कि गोवा को नई दिल्ली और मुंबई दोनों की तुलना में महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित माना जाता है। हालांकि संसद में महिला सदस्यों के प्रतिशत के मामले में वर्ष 2020 में भारत 193 देशों में 142वें स्थान पर था, 2019 में 78 यानी 14.4% महिला सांसद चुनी गईं। महिला मतदाताओं की संख्या 2014 की 47% से 2019 में बढ़कर लगभग 48% हो गई। 16वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या स्वतंत्रता के बाद 70 से अधिक वर्षों के बाद 11.2% है। इन प्रयासों के बावजूद समूचे भारत में स्त्री हत्या जारी है। कानून हिंसा के शिकार लोगों की सैद्धांतिक रूप से रक्षा कर सकता है, लेकिन कई मामलों में कानून में उल्लिखित दंड कमज़ोर है। इसके अलावा इन कानूनों का कार्यान्वयन सीमित रहता है और कई मामलों में स्त्री हत्या को रोकने या इस हिंसा के अपराधियों पर मुकदमा चलाने में उसे अप्रभावी पाया जाता है। राजनीतिक स्तर पर महिलाओं के प्रति हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता की कमी पूरे भारत में स्पष्ट है और विधायी नीतिगत तथा कार्यक्रम स्तर पर वास्तविक कार्रवाई नहीं हो पाती है। स्त्री हत्याओं पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने या महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए सरकारों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इसके अलावा स्त्री हत्या के लिए प्रभावी और व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सरकारों को प्रोत्साहित करने और उन्हें सहयोग देने के प्रयास किए जाने चाहिए। पैरा, खासकर महिलाओं के साथ भेदभाव को देखते हुए स्त्री हत्या को रोकना बेहद मुश्किल है। वास्तव में महिलाओं के प्रति हिंसा भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ढांचे में अंतर्निहित है। स्त्री हत्या के प्रति प्रतिक्रिया व्यापक होनी चाहिए और मजबूत कानून, लिंग संवेदनशील कानून प्रवर्तन नीतियों तथा प्रोटोकॉल का विकास और कार्यान्वयन, जमीनी स्तर पर जागरूकता हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं और परिवारों की सहायता और महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकार दिए जाने चाहिए। चेंज, महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए कानून और कानूनी ढांचे का विकास एक महत्वपूर्ण कदम है और हिंसा के अपराधियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए मजबूत कानून का होना भी अहम है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की सामाजिक तथा सांस्कृतिक वैधता और उनके साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए भी कानून आवश्यक है। हालांकि केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे भारत में कुछ प्रयास किए गए हैं कि महिलाओं के हित में कानून प्रतीकात्मकता से आगे बढ़े और प्रभावी ढंग से लागू किए जाएं। हिंसा को समाप्त करने के लिए धन और बुनियादी ढांचे की कमी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है, क्योंकि महिलाओं के प्रति हिंसा को कम करने और उनके
अधिकारों के लिए बजटीय आवंटन कम होता है। इससे कानून प्रवर्तन निकाय महिलाओं के प्रति हिंसा समाप्त करने संबंधी कार्यक्रम और कानून लागू करने के लिए आवश्यक गतिविधियां प्रभावी ढंग से संचालित नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण और जागरूकता बढ़ाने के लिए सेवा प्रदाताओं को धन आवंटित करने में सरकारी एजेंसियों की विफलता का मतलब है कि कानून के बारे में जागरूकता और समझ की कमी आम जनता के साथ साथ कानून प्रवर्तन निकायों में भी है। इस कानून के कार्यान्वयन की निगरानी भी महत्वपूर्ण है। चेंज महिलाओं के प्रति हिंसा संबंधी कानूनों के कार्यान्वयन से जुड़े मुख्य मुद्दों में से एक ऐसे अपराधों के लिए कानून लागू करने वाले कर्मियों की कार्रवाई है। कई मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रशिक्षण की कमी के कारण पुलिस को महिलाओं के प्रति हिंसा से संबंधित कानूनों की बहुत कम समझ होती है। वे हिंसा के मामलों में अपने कर्तव्यों से अनजान होते हैं और कार्रवाई में पूर्वाग्रह तथा भेदभाव की सामाजिक संरचनाओं से प्रभावित होते हैं। पैरा घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न या दहेज हत्या के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार करने सहित इन पर कार्रवाई में पुलिस की विफलता आम है। इस प्रक्रिया में पुलिस अधिकारियों द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं सामने आने से यह समस्या और भी जटिल हो जाती है। इन कारकों के साथ साथ महिलाओं में हिंसा के प्रति पुलिस की प्रतिक्रिया से महिलाओं में आत्मविश्वास कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा बढ़ती है और स्त्री हत्या का खतरा बढ़ जाता है। हिंसा के मामलों से निपटने से संबंधित पुलिस नीतियों और प्रतिक्रियाओं को संवेदनशील बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। स्टॉप।